जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। शुरुआत करते हैं शफल करके। वैसे भी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी हम सब कार्ड शफल कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑन कैमरा फिर से एक बार शफलिंग हो जाती है। 1, 2, 3, 4। ओरेकल में से देखते शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द मून का। आप समझ सकते हैं रात का वक्त है, चांद है, रिसेंटली ही पूर्णिमा हो चुकी है, कल की ही बात है, जिसकी वजह से शायद चांद को देख के आपके चेहरे को याद किया जा रहा है या फिर उस चांद से कुछ बातें पूछी जा रही है, क्योंकि वही चांद है जो इस वक्त इनको भी देख पा रहा है और आपको भी देख पा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली एक चांद है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक डॉग है और यहाँ पे एक डॉग है। आप डॉग कह सकते हैं या वुल्फ कह सकते हैं, कोई भी है, लेकिन ये एक दूसरे से जुदा है। लेकिन बीच में जो सेंटर स्टेज पे है वो है चांद, जो इसको भी देख पा रहा है और इसको भी। तो वैसे ही काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको देखने की चाहत हो रही है, लेकिन आपके साथ बिताए हुए पल भी याद आ रहे हैं जिनको याद करके काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में भी ये पर्सन है। साथ ही साथ आपको मिस करने की वजह से सैडनेस की भी एनर्जी में है। मून रिप्रेजेंट करता है इनके मन को, तो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पाइसिस है यानी कि मीन राशि है, जो ड्यूअल साइन होता है। जैसे एक के बाद एक मछली होती है, वैसे ही गोल गोल घूम रहे हैं अपने ख्यालों में, जहाँ पे आपकी यादें काफी ज्यादा सता रही है। फिर है डेथ और रीबर्थ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्फिनिटी सिंबल है, तो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और कुछ अगर आप दोनों के बीच में बहस वगैरह हो चुकी थी तो उस बहस को खत्म करना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये चाहते हैं कि जिंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। एक नया सवेरा उनको चाहिए जहाँ पे आप उनकी जिंदगी में आए, और उसी सवेरे का शायद ये इंतजार कर रहे हैं। फिर है जस्टिस, ये लिब्रा का कार्ड है। इक्वल बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको भी प्यार देना चाहते हैं, आपसे भी ढेर सारा प्यार इन्हें चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी इमेजेस मिरर हो रही है, वैसे ही उन्हें आपके अंदर वो सारी खूबियां मिल चुकी है जो कभी उन्होंने सोची थी कि मेरे पर्सन के अंदर ये सब बातें होगी। और ये जब बातें उन्हें मिल चुकी है तो वो पूरी तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि शायद ये जब भी आईने के सामने भी खड़े हो जाते हैं तो भी आपका ख्याल इनके दिलो दिमाग से हटता नहीं है। वो आईने की बजाय आपके बारे में सोचते रहते हैं और यही चाहते हैं कि काश इस आईने की बजाय मेरा पर्सन मेरे सामने होता तो मैं अपने तरीके से उसको बताता या बताती हाउ मच आई लव हिम और हाउ मच आई लव हर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक रॉड है, वैंड को भी आप कह सकते हैं। तो एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार पाना चाहते हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं। लेकिन अगर राइट नाउ दूरियां हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ इस पल नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपकी याद इन्हें आ रही होगी। फिर है द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे इस
सर्कल में ये पर्सन है, वैसे ही उनकी जो छोटी सी दुनिया है उसके सेंटर स्टेज पे इन्होंने आपको रखा है। जब भी वो इस छोटी सी दुनिया में खो जाते हैं तो आपके ख्यालात इनके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस दुनिया के इम्पोर्टेंस पता चल गए हैं, यानी कि अपनी छोटी सी दुनिया बसाने की चाहत इस पर्सन के दिल में काफी ज्यादा है। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, यानी कि कर्क राशि। यहाँ पे भी देख सकते हैं दो हॉर्सेस है जो आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। ये पर्सन इस रथ को चला रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि कुछ लोगों के लिए ये कार्ड शायद रेजोनेट होगा कि शादी ब्याह को लेके काफी ज्यादा ये पर्सन एक्साइटेड है। उन्हें लगता है कि इस तरह से आपको आए डोली में लेके आके ले जाए, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए आप देख रहे हैं जिनको आपने बताया नहीं है कि आपको उनसे शादी करनी है, तो ये पर्सन काफी ज्यादा रोमांटिकली आपके बारे में सोचते रहते हैं, जहां पे ये शादी से जुड़ी बातों को लेके आपको सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द फूल। फूल का कार्ड भी न्यू बिगनिंग का ही कार्ड होता है। ये केयर फ्री होके खुले आसमान में ये फील कर रहे हैं कि आखिर प्यार होता क्या है। यहाँ पे भी पहले कार्ड में आपने देखा होगा कि आसमान ही है और यहाँ पे भी आसमान ही है, तो उन्हें एक रिलैक्सेशन पे फील होता है जब इस प्यार के कनेक्शन से वो जुड़ जाते हैं, और यही कनेक्शन है जो उन्हें जिंदगी में एक नई शुरुआत करने को सोचने पे मजबूर कर देता है, और इसी शुरुआत का इंतजार शायद ये कर रहे हैं ये रीबर्थ का कार्ड। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आई शाइन माय लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी, तो ये चाहते हैं कि इनके अंदर जो जो खूबियां हैं वो दुनिया नोटिस करे। दुनिया में ये राइट नाउ शायद आपको भी काउंट कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर और भी कई खूबियां हैं जो शायद आपकी नजरों से थोड़ी सी अनदिखी हो रही है, और ये चाहते हैं कि आप उन बातों के ऊपर भी फोकस करें और समझे कि ये पर्सन सच में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब कितने ज्यादा टैलेंटेड है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ, तो ये कार्ड भी यही बताता है कि वो हैप्पीनेस चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं और लाइफ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बातें जब वो सोचते हैं कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपका ख्याल इनको दिल से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि ये प्लेजर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये खुशियां और भी ज्यादा उनको चार चांद लग जाएगा अगर आपका साथ उनके साथ हो, इस बात को लेकर सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आल एंजॉय द स्प्लेंडिप आई एंजॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल, तो कुछ मिस्टीरियस बातें हैं लाइफ को लेके सोच रहे हैं, यानी कि रोमांटिक तरीके से भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे की जिंदगी में आएंगे, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें ऐसी होंगी जो इनको काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, और उन्हीं बातों को सोच के उन्हें ऐसा लगता है कि उससे खूबसूरत एहसास जिंदगी में और कुछ हो नहीं सकता, और उस एहसास को ये अपनी जिंदगी में फील करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट होके। नेक्स्ट है आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, तो उन्हें ऐसा लगता है कि काफी कुछ है जो उन्हें लगता है कि जिंदगी में अभी खोजना मतलब रह गया है। शायद ये पर्सन काफी ज्यादा घर में इम्पोर्टेंस देते होंगे, या फिर करियर की वजह से इतना ज्यादा ये बाहर घूमना वगैरह नहीं कर पाए, लेकिन अब उन्हें दुनिया एक्सप्लोर करने की चाहत हो रही है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो नेचर है वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं या समझती हैं, लेकिन इन्हें खुद को वो समझना अभी बाकी है, और ये तब समझ पाएंगे जब आप उनको समझा देंगे कि हाँ मुझे पता है तुम हो ये, तो उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो उन्हें उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं या समझती हैं। नेक्स्ट है आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्थी, तो ये भी बात उनको पता है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये चाहते हैं उनके दिलो दिमाग में क्यों है, ये सभी बातें उन्हें पता है, और इन बातों का कहीं ना कहीं कनेक्शन वो आपसे जोड़ देते हैं, मतलब डीपली आपसे प्यार जो करते हैं उस प्यार की गहराई को ये समझते हैं, और आपकी कीमत क्या है, इनके एहसास मतलब आपके प्यार की जो कीमत है वो इनके लिए बहुत ज्यादा वर्दी है, यानी कि एक ऐसा गिफ्ट है उनके लिए जिसके मायने जिसके शायद बेशकीमती उन्हें वो तोहफा लगता है, और उस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं। आई विल परसिस्ट माई विल इज स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि वो
बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी कि विल पावर उनके अंदर बहुत ज्यादा है, मतलब पाने की चाहत। और यहाँ पे पाने की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आपको पाना है, और उन्हें लगता है कि सच्चे दिल से अगर वो आपको पाने की चाहत रखते हैं तो ये उनकी चाहत जरूर पूरी होगी। और फाइनल कार्ड है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ आई रिपल दिस आउटवर्ड, तो सुकून चाहते हैं, और जैसे ये सुकून रिपल आउटवर्ड्स का कार्ड वर्ड्स यही बताते हैं कि यही सुकून वो चाहते हैं कि आप भी दिल से फील करें, यानी कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर सुबह से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को लेके सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी, जिसकी वजह से शायद आप भी थोड़े से बेचैन होंगे, और इसीलिए ये इनवाइट कर रहे हैं पीस को, यानी कि सुकून को, और वही सुकून शायद मैनिफेस्ट करके आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको याद करके। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।